ये ससुर जंघा दिया है, ये कौआ की तरह पतला जंघा दिया है। मुर्गा की सब 240 हड्डी वाला दे दो। हाँ हड्डी वाला दे दो। अस्सी का कर दो। आज है संडे और आज हम लेकर के आए हैं ये मुर्गा। तो दोस्तों मैं फिलहाल 3-4 पानी धो लिया हूँ। तो दोस्तों मैं चावल को 2 बार धो लिया हूँ। तो दोस्तों इधर जो कढ़ाई बैठा दिया हूँ और इस पर गैस चालू कर दिया हूँ, और इधर चावल बैठा के इधर भी गैस चालू कर दिया हूँ। तो दोस्तों तेल डाल दिया और तेज पत्ता ये डाल दिया, और इसके बाद मिर्ची डाल देता हूँ। तो मिर्ची डाल दिया, तब तक मैं प्याज काट रहा हूँ। तो दोस्तों ये प्याज मैंने काट लिया, और प्याज काटने से पर मैं आँख बत्ती इतना ब्लोर आने लगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो इधर भी जो है तैयार हो गया है, और इसमें हम थोड़ा इसको भून देते हैं, थोड़ा इसको चला लेते हैं। और ये दोस्तों देख रहे हो कितना मोटा मोटा प्याज कटाया है मेरे से। तो यही अपना जो बाहर का लाइफ है यही है, 12 घंटा ड्यूटी करो और कमाओ, और आ करके खाना बनाओ और खाओ और फिर सो जाओ और फिर ड्यूटी चले जाओ। तो दोस्तों इसके बाद अब हम मुर्गा को डाल लेते हैं। डाल दिया, तब तक मैं मसाला का तैयारी कर लूँ। तो दोस्तों धनिया अनियन डाल दिया हूँ, और लाल मिर्ची डाल दिया हूँ, और लहसुन डाल दिया हूँ, और ये रहा हल्दी, हल्दी भी डाल देता हूँ। और उसके बाद ये रहा हरा वाला जो लाल वाला मिर्चा होता है, और उसके बाद एक प्याज इसमें डाल देता हूँ। 3 गो प्याज उसमें डाला हूँ, थोड़ा राजेश मसाला डाल देता हूँ, फिर मैं इसको मशीन में लगाता हूँ। दोस्तों फाइनली मसाला पिसा गया। तो दोस्तों फाइनली ये जो मुर्गा है एकदम अच्छे तरीके से भूंज लिया हूँ, और इसके बाद हम मसाला डालते हैं। पूरा मसाला मिला दिया हूँ, आदी टमाटर सब इसमें पीस करके डाल दिया हूँ, ताकि इसका जो मसाला हो पूरा गाढ़ा हो जाए, खाने में मज़ा आए। और इधर जो चावल है ये भी अपना पोजीशन ले रहा है, तो ये भी तैयार होने वाला है कुछ देर में। इसमें हम नमक डाल लेते हैं सबसे पहले, और उसको अब हम मार के निकाल लेते हैं। अभी जो चावल है तैयार हो गया। तो दोस्तों अब तैयार होने वाला है, तो इसमें ये धनिया पत्ता डाल देता हूँ। धनिया पत्ता डाल दिया हूँ, और 1 मिनट जला करके इसको अब हम बंद करते हैं। तो दोस्तों मैंने चावल और ये मटन दोनों निकाल लिया हूँ, और अब इसको सांत पर इसका थोड़ा टेस्टिंग करता हूँ कैसा लगता है। मस्त बना है दोस्तों, एकदम वीआईपी मटन बनाया हूँ। दोस्तों मैं प्याज भी ले लिया हूँ, और हरा मिर्ची भी ले लिया हूँ। ये ससुर जंघा दिया है, ये कौआ की तरह पतला जंघा दिया है। तो दोस्तों देखिए मैंने पूरा खा चुका हूँ, इतना मुर्गा बच गया है, और इतना जो चावल है चावल भी बच चुका है। तो दोस्तों अभी फिलहाल 12:30 हो गया है, और अब मैं चलता हूँ सोने। तो फिर मिलेंगे हम किसी एक नए ब्लॉग में, तब